गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सब्जेक्ट की इंग्लिश फर्स्ट और स्टैंडर्ड लेती हूँ एंड चैप्टर 5। टुडे विल आई विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर बी विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज मेक अ न्यू वर्ड। ये जो क्लूज दिए गए हैं ये क्लूज हैं आपके बुक में कलर्ड है, मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं एंड इसी से आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। ओके, सो नंबर 1 टर्न गिफ्ट्स इनटू समथिंग दैट फेज। तो आपको यहाँ से हिंट लेनी है, हिप्स लिखा है, हिप्स का जो ये जो लेटर है इन्हीं से स्पेलिंग बनेगी, जो न्यू वर्ड बनेगा इन्हीं से बनेगा और इनके लिए समथिंग दैट फेज जो नाभिक करते हैं ना, तो नाभिक क्या चलाते हैं, सिप चलाते हैं, हिप लिखा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सिप, SFIP। ओके, नंबर 2 टर्न ईट इनटू समथिंग दैट पीपल ड्रिंक। ईट में टर्न हो जाएगा जो कि पीपल पीते हैं, तो क्या पीते हैं, ईट का क्या हो जाएगा, टी, टी ई ए, नंबर 3 टर्न सोल इनटू अ गैलोपिंग एनिमल। तो इसमें हॉर्स सॉरी सोल लिखा है, सोल को मैं चेंज करना है गैलोपिंग एनिमल, एंड गैलोपिंग एनिमल क्या है, हॉर्स है। एंड नंबर 4 टर्न स्नो इनटू समथिंग पीपल ईट विद, जो जिससे पीपल खाते हैं स्नो, एस एंड ओ पी लिखा है ना, तो हो जाएगा एस टी डबल ओ एन स्पून, जिससे खाते हैं पीपल स्पून से। ओके, तो आपको यही लर्न करना है होमवर्क से, लर्न डी एट मोरोन। ओके, लर्न एक्सरसाइज डी चैप्टर 5। ये चैप्टर 5 के